विद्या अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां जमीनी विवाद में अक्सर अधिकारियों की लापरवाही से अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। राजद के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय भाजपा विधायक पर नरसंहार घटना की जांच और आरोपी को गिरफ्तार करवाने के बजाय पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले योगापट्टी थाना के पडरौन में हुए हत्याकांड का जायजा लेने पहुंचे राजद के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने पीड़ित परिजनों से भेंट की। इसके बाद वो काफी गुस्से में नजर आए। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे जिले में अपराधियों का राग चल रहा है, ये घटना देख कोई भी रो देगा। ये गरीब परिवार पेट पालने में व्यस्त है और उनके घर में कुछ गुंडों ने दो लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके बाद भी सत्ताधारी विधायक गुंडों को सजा दिलाने के बजाय पीड़ित परिवार को धमका और डरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के कहने के बाद भी पुलिस प्रशासन घटना के 2 घंटे बाद पहुंची। जब लोगों ने सूचना दी थी उसी समय पहुंचते तो शायद आज दो जाने नहीं जाती। उन्होंने कहा कि अक्सर जमीनी विवाद का समाधान यहां पर मारपीट के बिना नहीं होता। जिलाध्यक्ष ने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरी मजबूती से राजद पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल परिवार के एक सदस्य को शिक्षा के अनुसार एक नौकरी और 5-5 लाख की आर्थिक मदद करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर राजद पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक घेराव करेगा। 3 दिन पहले जोगापट्टी प्रखंड और हमारे ये दरवलिया पंचायत पड़ता है, पंडरौन गांव है, वार्ड नंबर 1 पे पड़ता है। 3 दिन पहले एक जमीनी विवाद जो पहले से चल रहा था, जिसके मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो पत्रकार बंधु है राजकुमार जी नाम है शायद उनका, और उस घटना में 2 व्यक्ति का निर्मम चाकू मारकर हत्या किया गया और 4 व्यक्ति पूर्णतः गंभीर रूप से घायल है और घायलों की संख्या शायद 5 है, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल। अभी तक वह व्यक्ति पटना में अपने जान से लड़ रहा है, जिंदगी की जीवन भीख मांग रहा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सीओ साहब को मैंने फोन लगाया, उठाए नहीं। SDM साहब से भी बात हुआ है। जो सरकारी प्रक्रिया है, जो आर्थिक मदद मिलता है सरकार से, SDO साहब आश्वासन दिए हैं मिलेगा। हम उम्मीद भी करते हैं कि घटना के जो परिवार के जो सदस्य है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी लड़की है, उनकी शादी नहीं हो पाई है, तो सरकार जो आर्थिक मदद सहयोग करता है तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलग से सरकार दोनों पीड़ित परिवार को, जिनके सदस्य 2 परिवार मृतक हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी हत्या हुई है और साजिश द्वारा हत्या किया गया है, और यहाँ पे आने पर पता चला, बताई उनकी पत्नी कि घटना के 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद यहाँ पे प्रशासन पहुंचा है। अगर प्रशासन समय से पहुंच गया रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। तमाम लोग यहाँ पे खड़ा है, दिखाइए कि सभी लोग इस घटना के साक्ष है। लेकिन सरकार के तरफ से पूरे साजिश करके मारा गया है। यह जमीन विवाद बहुत पहले से चल रहा था। वो दोस्तों, मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ सरकार से कि कड़ी से कड़ी सजा हो। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके धाराएं 302 तो होता ही है, हुआ ही है, लेकिन उनको फांसी से कम सजा ना हो कि ऐसे 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 मामला फिर अपने चंपारण में या जिले में देखने को ना मिले। हम यहाँ के विधायक जी से भी अनुरोध करते हैं, साधु घटना के समय के भी उपस्थिति में आए हुए थे, और परिवारों को जिस तरह से आप डांट डपट कर रहे हैं, शायद आप आरोपियों पर वह डांट डपट करते तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। यह मामला कब का ही सलट गया रहता। अगर विधायक जी आप चाहते तो यह मामला इतना लंबा नहीं चलता। यहाँ के सीओ साहब चाहते, प्रशासन चाहता, लेकिन सबकी जिम्मेवारी से सब लोग परे हुए, इतनी बड़ा घटना हुई। मैं पुनः सरकार से मांग करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के तरफ से 5 सदस्यीय टीम आया है। वैद्यनाथ जी हैं, सुब्बा जी हैं, महमूद जी हैं, प्रिंस जी हैं, सोनू जी हैं, साहबुद्दीन जी हैं। ये 7 लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका रिपोर्ट हम लोग अपने नेता के पास भेजेंगे, और जहां पे भर्ती है मरीज PMCH पटना में, वहां पे हम लोग को संवाद चल रहा है, बात चल रहा है, वहां पे भी हमारी दल मदद करने के लिए उपस्थित है। हम यहां जाने के बाद हम BDO साहब, CO साहब से भी मिलेंगे
और मुलाकात करके तत्काल परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। जो कमाने वाला व्यक्ति था, जो परिवार को पेट पालता था, वो उनकी निर्मम हत्या हुई है। तो जो कमाने वाला व्यक्ति था वो नहीं रहा, इनकी आर्थिक सहायता तत्काल सरकार करे और आने वाले समय में जो प्रक्रिया पूर्ण होता है दोनों परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा दे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।